हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉमी ब्यूटी शालू। और गाइज़, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फेशियल किट है, और वो है चार्मिंग ग्लिट हर्बल फेशियल किट। और गाइज़, ये बहुत ही अच्छी है, ये 5 स्टेप्स के साथ आती है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये मुझे मिली 40 रुपीज़, और इसमें 5 स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है जो कि आप देख सकते हैं, ये क्लिनजर है। देन नेक्स्ट आता है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। देन उसके बाद आता है मसाजिंग क्रीम, स्पा मसाजिंग क्रीम। देन फिर आता है पैक, और पैक के बाद आती है फेयरनेस क्रीम। तो गाइज, ये इसके 5 स्टेप हैं जो हमें फॉलो करना है इस फेशियल के लिए। आगे बताया है कि ये आपको कैसे करना है, तो आप वैसे ही इसे यूज़ कर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छी फेशियल किट है, मैंने इसे पर्सनली यूज़ की है, जिस पे मैंने वीडियोस बनाया है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये इतनी सस्ती है, तो मैंने अपने ऊपर इसे यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं आगे कि मैंने अपने अपने फेस पर इसे यूज़ की है, और मुझे अच्छे लगा इसका रिज़ल्ट। गाइज, अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ये आपको ईजिली किसी भी गारमेंट शॉप पर या फिर कॉस्मेटिक शॉप पर मिल जाएगी, और ये मिल जाएगी आपको 40 रुपीज़ में। 40 रुपीज़ बहुत ही अच्छी रेंज है, अगर कोई हैवी रेंज की फेशियल किट नहीं खरीदना चाहता है तो। इसके बारे में जो लिखा हुआ है, सारा पीछे बॉक्स पे लिखा हुआ है, और मतलब ये पूरी तरह से हर्बल है, इसके अंदर पूरी तरह से कोई भी केमिकल नहीं यूज़ है, पूरी तरह से हर्बल फेशियल किट है। तो हर्बल चीज़ किसी को नुकसान नहीं देती है। तो गाइस, मैं देर ना करते वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके 5 स्टेप्स हैं, और मैं स्टेप बाय स्टेप ये फेशियल करूँगी। तो फर्स्ट स्टेप ले रही हूँ मैं, ये है क्लिनजिंग। तो मैं इसे अपने फेस पे लगाऊँगी, और इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो अपने हाथ पर भी लगा सकते हैं इसको, बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ आता है ये फेशियल। और मैंने इसे अपने फेस पे लगा लिया अच्छे से, आप देख सकते हैं, मसाज कर ली है। तो हमारा कितना भी डर्ट्स होता है वो सारा निकल जाता है, और मैं इसे 10 मिनट तक मसाज करूँगी अच्छे से अपने फेस पर, और फिर एक वाइप्स की हेल्प से इसे क्लीन कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना क्लीन फेस लग रहा है। चाहे तो धो भी सकते हैं इसे, बट मैंने एक वाइप्स की हेल्प से इसे क्लीन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, ये क्लींजर के बाद ही मुझे इतना फील हो रहा है अपना सॉफ्ट स्किन, और बहुत ही ज़्यादा क्लीन फेस लग रहा है मुझे। सेकंड है एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, और गाइस ये अब मैं करने जा रही हूँ। मैंने सेकंड टाइम की है ये वाली फेशियल, तो मेरे को फर्स्ट टाइम अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पहले अपने ऊपर ट्राई कर लूँ। तो ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है, हमारे यहाँ पर ये मिल रही थी, तो मैंने इसका जो वीडियो है वो नहीं डाल पाई, क्योंकि मैंने पहले सोचा कि मैं अपने ऊपर करके देखूँ इसे, तभी आपको बताऊँगी। तो अभी मैंने अपने नंद के वहाँ से मंगाई है ये किट, तो वहाँ पर मिल रही थी, बट इजीली ये मिलना मुश्किल होती है थोड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो और अच्छी भी है, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम इसे कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप इसका वीडियो डाल देती हूँ आपके लिए। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फेशियल किट है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, अगर आप कहीं जा रहे हो तो फटाफट से इसे कर सकते हो। देन मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए, आप ये इस तरीके का स्क्रब है, आप चाहे तो पूरा भी ले सकते हैं, बट ये इसे रखना बेकार है, क्योंकि इसमें एक ही बारी का प्रोडक्ट आता है, तो आप इसे पूरा ही कर लीजिए तो अच्छा है। ये देखिए, मैंने पूरा ले लिया इसे, और गाइस 40 रुपीज़ में आपको पूरा फेशियल मिल रहा है, और पूरा हर्बल फेशियल है ये। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये पूरा का पूरा हर्बल फेशियल है, और नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बना हुआ है। तो आप इस स्क्रब को करेंगे, बट इसको थोड़ा जेंटली स्क्रब करना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े हैवी पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा चुभेंगे। तो इससे हमें इसे तेज़ तेज़ की नहीं करना है, बहुत ही धीरे धीरे अप्लाई करना है। ये नहीं है कि हमें इसे रगड़ना है, हमें कोई भी स्क्रब होता है तो उसे कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए, आई थिंक ऐसे ज़ोर ज़ोर की कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए, तो हमारी स्किन के ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। ये धीरे ही ऐसे जेंटली स्क्रब करना है, नेक पे भी जरूर करें।
तो गाइज मैं कोई भी स्क्रब होता है तो उसे ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, बट इसमें 10 मिनट्स दिए हुए हैं तो आप 10 मिनट्स तक ना करें, हो सकता है मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, आप चाहे तो मुँह भी धो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रब के बाद मेरी स्किन ऐसी हो गई है। तो गाइज हम जैसे जैसे स्टेप यूज़ करते जाते हैं तो हमें अपनी स्किन में थोड़ा फ़र्क दिखता जाता है। थर्ड स्टेप मैं यूज़ करूँगी ये है स्पा मसाजिंग क्रीम, तो ये वाला स्टेप मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपको फेशियल यूज़ करने में बहुत ही ईजी हो जाता है अगर ये इस पे लिखा होता है, वैसे नॉर्मली सब पे ही लिखा होता है। ये वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप कोई सा भी आप मतलब फेशियल किट यूज़ कर सकते हैं, स्टेप उसके ऊपर लिखे होते हैं और आपको ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप करना होता है फेशियल और इजीली हो जाता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं थर्ड स्टेप इसका यूज़ करी हूँ वो है स्पा मसाजिंग क्रीम। तो हमें इसे क्रीम की तरह लगाना है, जिस तरीके से हम क्रीम लगाते हैं, और इसे हमें पूरा ब्लेंड कर देना है। सोचेंगे कि इतनी सस्ती फेशियल किट, बट गाइस ये बहुत सारे यूट्यूबरों ने यूज़ की है तो मैंने सोचा कि मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना देती हूँ अपने सब्सक्राइबरों के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरह ब्लेंड कर लिया अपनी स्किन में। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती और अफोर्डेबल फेशियल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि महंगी किट नहीं यूज़ कर सकते हैं तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप, ये मैं सोचिएगा कि मैंने अपने ऊपर नहीं यूज़ किया है, तो ये मैंने अपने ऊपर भी यूज़ किया है। अफोर्डेबल कोई भी फेशियल किट चाहिए तो आप ये वाली। फोर्थ स्टेप है ये फेस पैक, और हम इसे लगाएंगे अब, और अच्छी क्वान्टिटी में फेस पैक है, आपके पूरे नेक तक कवर हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट भी अच्छा दिया हुआ है, 40 रुपीज़ में गाइड प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको इजीली मतलब आप पूरे फेस को अपना अच्छे से फेशियल कर सकते हैं। तो मैं अपने हाथ से लगाऊंगी, ज़रूरी नहीं है कि हमें ब्रश से लगाएंगे, हम अपने हाथ से ही लगाएंगे। आप अपने हाथ से भी इजीली अच्छी तरह से पैक लगा सकते हैं, देख सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। सी, कोई नहीं कह सकता कि हमने ब्रश से नहीं लगाया। इसको लगाने पर आपको थोड़ी सी चमराहट मचेगी जो कि मुझे मच रही है। तो आप जानते हैं, आप कोई सा भी पैक यूज़ करेंगे तो आपके फेस पे थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि मतलब ऐसी चीटी सी ऐसा कुछ होता है। और आप देख सकते हैं पूरा ब्रश की तरह ही लग गया है ये, और मैं अब इसे सूखने दूंगी। तो गाइस अब ये सूख गया और मैं इसे वॉश कर लूँगी, क्योंकि बोलूँगी तो ये खटक जाएगा। तो वो है फेयरनेस क्रीम, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, देखते हैं ये वाला भी करके। तो अभी तक तो मुझे ये फेशियल अच्छा लग रहा है, और अच्छा क्या लग रहा है गाइस, मैंने पहले भी यूज़ किया है तो अच्छा ही लगेगा मुझे। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं बताती हूँ जो मैं अपने फेस पर पहले यूज़ नहीं कर लेती, और कोई भी DIY मैं बनाती हूँ तो पहले उसको अपने फेस पर ही यूज़ करती हूँ, तभी मैं आपको बताती हूँ, ऐसे मैं कुछ आपको नहीं बताती। तो ये वाला जो लास्ट स्टेप है ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ, बट अब तक जो स्टेप है वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, कोई भी आपको कोई भी स्किन में कोई भी आपको नहीं लगेगी कमी, बिल्कुल एकदम स्मूथ स्किन और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई। आप देख सकते हैं खुद भी मेरी स्किन, और मेरे फेस पर ग्लो भी नज़र आ रहा है, मुझे भी खुद नज़र आ रहा है। और ये लास्ट स्टेप है, तो गाइस इस क्रीम की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, आप चाहे तो अपने हाथ पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, जैसे कि मैं कर लेती हूँ हर फेशियल को। तो उसकी क्वांटिटी वाइज मैं आपको बता रही हूँ कि आप चाहें, और इसमें से मुझे जो खुशबू आ रही है वो है गुलाबों की, मुझे अच्छा लगा ये फेशियल, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपको भी कोई अफोर्डेबल फेशियल किट मिल जाए जो आप यूज़ कर सकें। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने हाथ में भी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं जो होता है प्रोडक्ट जो बचता है इस वाले फेशियल का भी, और अगर मैं और कोई भी फेशियल करती हूँ तो हाथों हाथों नहीं, हाथ पे भी कर लेती हूँ, तो वो चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो गाइस इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी है, आपके फेस से भी बच जाएगा, नेक पे भी पूरा कर सकते हैं और बैक पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी आती है। तो आप चाहें तो अपने हाथ पर भी कर सकते हैं, और जैसे कि मैं कर लेती हूँ दोबारा से बता रही हूँ आपको, तो आप ऐसा ज़रूर करिए, क्योंकि प्रोडक्ट वेस्ट करने से अच्छा तो आपके हाथों पे भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
हमें अच्छे से इसे अपनी स्किन में ब्लेंड कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अपना फेशियल कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छा ही ग्लो आया इसका, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये फेशियल, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको फेशियल कैसा लगा। तो ये पूरी तरह से हर्बल है, इस पर कोई भी केमिकल नहीं यूज़ है, तो ये पूरी तरह से हर्बल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है, और ये आपको 40 रुपीज़ की मिल जाएगी इजीली। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में इसका पूरा बता दिया है, आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। इस टाइम मैं बिल्कुल विदाउट मेकअप हूँ, कुछ भी मेरे फेस पे मेकअप नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही एकदम फेशियल करके बैठी हुई हूँ इस टाइम, यही आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपना छोटा सा जो शॉपिंग हॉल है, जो कि मैंने फ्राइडे मार्केट का व्लॉग डाला था, तो मैंने उसमें से क्या क्या लिया है। गाइज़ आपने एक शॉल देखा होगा ऑरेंज कलर का, तो वो भी हमने लिया था, और एक ब्लू कलर का सूट देखा होगा वो भी हमने लिया था, क्योंकि वो मैंने लिया था अपने नंद के लिए। और जो शॉल है वो हमने मेरी सास ने मंगाया था, तो वो उनके लिए था। और जो मैं प्रोडक्ट लाई थी तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़े से ही हैं क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई वहाँ से, अब नेक्स्ट टाइम गई तो ज़रूर लेके आऊँगी। तो आप देख सकते हैं ये वाले इयर रिंग्स गाइज, ये स्टोन वाले इयर रिंग्स हैं, बहुत ही प्यारे इयर रिंग्स लग रहे हैं, और ये 20 रुपीज़ के इयर रिंग्स हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। आपने शुरुआत में देखा होगा 20 रुपीज़ की सेल लग रही थी इयर रिंग्स की, तो ये मैंने वहाँ से लिए हैं 20 रुपीज़ में। देन नेक्स्ट ये मैंने लिए हैं राधे राधे शॉप से 2 FC की आईब्रो पेंसिल, क्योंकि गाइज मेरे पास काफ़ी प्रोडक्ट हो गए हैं तो मुझे ज़्यादातर लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने वही ली है इस टाइम में। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर और खरीद के लाऊँगी। और लास्ट जो है मैंने ये एक स्कूल का आई शेडो पैलेट, और जिसमें मैट भी है और शिमर भी आई शेडो है, तो ये कुछ ऐसा है अंदर से, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मुझे इसके कलर अच्छे लगे तो मैंने ले लिए, आप देख सकते हैं इसके कलर, और इसमें एक ये ब्लशर भी है, और मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। तो गाइस इसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है, देन ब्लू वाले की तो बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है, देख सकते हैं आप। तो इसके डार्क देन मैट जो हैं वो थोड़े से पाउडरी हैं, लेकिन जो शिमरी शेड है गाइस बहुत ही अच्छे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मैट है तो थोड़ा पाउडरी है। तो मुझे जो इसके शिमर वाले शेड हैं वो बहुत अच्छे लगे हैं। और अगर यहाँ पर आप कहीं आसपास रहते हो तो आप राधे राधे कॉस्मेटिक से ज़रूर संभाल लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका ये ग्रीन शेड भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं दिख रहा है कैमरे में, बट ये गाइस वैसे बहुत ही अच्छा शेड है और पिगमेंटेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये शेड बहुत ही अच्छे हैं इसके। देन वाइट भी अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मुझे बहुत अच्छे शेड लगे इसके, और मुझे मिला है 120 रुपीज़ का। तो 120 रुपीज़ में मिस गोल्ड का आई शेडो पैलेट बहुत ज़्यादा स्टिक है, मतलब हार्ड है, तो आप इजीली कहीं से लेके जा सकते हैं आई शेडो पैलेट को। इसमें ब्लशर भी है, देन आई शेडो भी है, और ये वाला जो शेड है आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा शेड है, ब्राउन शेड, तो इसे ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पैलेट है, अगर आप कोई सस्ता पैलेट ढूंढ रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, 120 रुपीज़ में ये पैलेट अच्छा है। तो गाइज़ यही थी मेरी छोटी सी एक शॉपिंग हॉल, जो कि है फेशियल के साथ ही मैंने कर दिया उसे। तो आप मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।